स्टार्ट फ्रॉम इंजन। दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, जो डेली का रूटीन होता है सब आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जोगराज और शंकर अभी चारा दे रहे हैं सभी घोड़ों को, हमारे जितने भी अश्व हैं। दोपहर का चारा चालू है दोस्तों, तो अभी भी बहुत सारा चारा बाकी है बाहर, सब इस रूम में डालने का है। और जोगराज सिंह ने, शंकर ने आज इतना 2-3 ट्रॉली डाल दी है अंदर, और अभी बहुत बाकी है। योगराज काफी मेहनत करते हुए, देखिए दोस्तों योगराज सिंह के लिए कमेंट हो जाए। ब्लैक तोराल सुबह सोनाल सभी चारे की रात देखते हुए, देखिए दोस्तों लाल सोनाल उसके पैर में मोती वो ठीक हो चुकी है दोस्तों। वहां पे हमारा पांचिया लाचा बाज सभी अपनी मौज में खड़े हैं। तेजल वो रही दोस्तों, तेजल का भी पैर सही हो चुका है अभी राइड के लिए। बीच में मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, आज जगबा आएंगे तो आज राइड करेंगे, वो भी वीडियो आपको दिखेंगे आज के ब्लॉग में दोस्तों, तेजल का भी। और ये जल्दी हमें काम चालू करने का है, जो हमारी जो न्यू कमांड की जो दीवार है जल्दी चालू हो जाएगा काम इस कमांड का भी दोस्तों। दोस्तों डोली के बच्चे 10 बचे हैं, और जो भी सब्सक्राइबर को, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको किसी को भी डोली के बच्चे चाहिए तो वो कमेंट करें मुझे हमारे चैनल पे सुबह स्टार्ट पम्प पे, क्योंकि हम 2 ही बच्चे रखने वाले हैं, बाकी 8 बच्चे हम देने वाले हैं और सुबह स्टार्ट पम्प पे। दोस्तों हमारे चैनल पे कमेंट करना डोली के बच्चे जिसको भी चाहिए, जो भी सब्सक्राइबर को वो कमेंट करें हमें ब्लॉग के आज के ब्लॉग में, तो हम ये बच्चे उनको दे देंगे, वो लेके जाएं इधर से हमारे फार्म से, क्योंकि हमें 2 ही बच्चे रखने वाले हैं हम। और बाकी सब जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिसको भी दोस्त को चाहिए वो कॉल करें, या जिसके पास नंबर ना वो मैसेज करें हमें और कमेंट करें और लेके जाएं यहाँ हमें हमारे फार्म से। तो ये जो गजराज है इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी इसको भी 3-4 दिन में हमें कटिंग कराना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि गायों के लिए सभी जो भी गजराज है वो गायों को चारे के लिए काम आ जाए खाने के लिए, इसलिए अभी 2-3 दिन में ये भी कटिंग शुरू कराएंगे हम, क्योंकि अभी वो मूंगफली का चारा है उसमें काम में जोगराज और शंकर चालू रहते हैं, नहीं तो शाम के टाइम पे ये भी कटिंग कराना चालू करना पड़ेगा अभी, जो गायों के लिए काम आए खाने में शाम को और दोपहर को और चारे में काम आ जाए। काफ़ी इन्होंने कटिंग कर ली है और उस साइड रहता है वो भी अभी बाकी है, वो भी 2-3 दिन में ये भी कटिंग चालू कराएंगे हम, जो इसमें बुलेट है वो सब घोड़ों के लिए उस साइड है अभी दोस्तों, यहाँ तक तो उन्होंने कटिंग कर ली है सब, अभी उस साइड रहता है वो सब अभी कटिंग करेंगे 2-3 दिन में शंकर और जोगराज, वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। हाँ देखिए बुलेट है उस साइड, जो भी बुलेट है वो सब घोड़ों के लिए है, और जो गजराज है वो हम गायों को खिलाते हैं, और ये जितना भी चारा है इसमें हरा वो सब घोड़ों के लिए होता है, घोड़ों को देते हैं हम। देखिए वो साइड जो भी बुलेट है वो सब कटिंग अभी बाकी है, इतने तक उन्होंने कटिंग कर ली है। चिक्कू भी बहुत ज़्यादा लगते हैं हमारे फार्म पे, देखिए दोस्तों पूरे फार्म पे चिक्कू हमारे, और दोस्तों ये पक्षी भी बहुत ज़्यादा अभी आने लगे हैं, जो चिक्कू को पक जाते हैं जाड़ में ही काट के ले जाते हैं खा लेते हैं, और कोयल सभी पक्षी आते हैं। और इनकी जो 5 बजे सुबह 4 बजे जब मैं फार्म पे रहता हूँ तब इनकी आवाज़ सुनता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, क्योंकि इनकी बातें करती हैं तब बहुत ही ज़्यादा संथाल लगती है उनकी बातें। कोयल होती है, सब चिकलियाँ आती हैं, जितने भी पक्षी आते हैं सब आते हैं फार्म पे जो सुबह में चिक्कू खाने के लिए हमारे फार्म पे, और उनकी सुबह में आवाज़ बहुत ही मीठी लगती है दोस्तों। और दोस्तों देखिए अभी ध्यान से भी मस्ती करना शुरू कर दिया है, ध्यान से और चित्रा दोनों मस्ती के मूड में हैं अभी, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान से की मस्ती। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दूसरे हमारे खेत पे जहाँ पे चारा है वो देखने के लिए, और मूंगफली भी लेने के लिए उधर पहुंच के आपको दिखाते हैं दोस्तों, और हमारे साथ बच्चा भी चल रहा है देखिए दोस्तों। दोस्तों हम पहुंचे हैं हमारे खेत पे, ये रहा चारा, ये भी
2-3 दिन में उठाएंगे, एक फार्म पे आएगा। देखिए ये खेत है हमारा, पूरा चारा ये भी जितना होगा उधर हमारे फार्म के लिए, घोड़ों के लिए है दोस्तों। मूंगफली का चारा है ये भी दोस्तों। अभी सभी गौ माता जा रही हैं चारा खाने के लिए, 2-3 बजे का टाइम है दोस्तों, और सभी निकली अभी चारा खाने के लिए। अभी शाम को आएंगी हमारी गिरी, वो चा खेल रहा है। देखिए दोस्तों सभी गौ माता जा रही हैं अभी। आज सबको आपको कितने दिनों से ये भी वीडियो में नहीं दिखाया आपको गौ माताओं को ब्लॉग में दोस्तों। देखिए सब जा रही हैं गौ माताएं हमारी दोस्तों। अभी जावेद ने ट्रैक्टर शुरू कर दिया है और फावड़ा फेर रहा है, जो फावड़ा आता है जो लेवल हो जाए हमारी जमीन, इसलिए। देखिए दोस्तों अभी लेवलिंग कर रहा है इसमें, जो जिसमें रिचका डालने वाले हैं इसमें अभी जावेद। 2 ट्रैक्टर उधर चारे के भरे हुए हैं, और अभी हम चलते हैं दोस्तों जो हमारा हौज है टांका, जो हमारा पानी करने का है दोस्तों। यहाँ पे अभी जेसीबी भी उस साइड चालू है, क्योंकि ये जो हमारा पानी का टांका है ये अभी बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा आ सके इसलिए दोस्तों। अभी ये टांका खेती में थोड़ा छोटा हो रहा है दोस्तों, पानी का टांका, इसलिए अभी बड़ा बनाने वाले हैं आज। ये टांका है हमारा जो अगर आपको दिखाते हैं, जेसीबी भी चालू है दोस्तों। अभी ये टांका उस साइड हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे बड़ा हो जाए, जिससे हमारा पानी ज़्यादा आ सके इसलिए दोस्तों। दिखाते हैं आपको, उधर चकबा भी पहुंच चुके हैं जेसीबी से। देखिए इतने तक हमारा जो टांका है, अभी यहाँ तक हम बढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ तक बढ़ेगा हमारा टांका, जो इधर पारी आएगी और इस साइड आएगी। अभी जगबा जो इसमें झाड़ी है, बबूल के पेड़ हैं, वो सब निकल रहे हैं अभी दोस्तों। इसके बाद कल से या परसों से काम शुरू हो जाएगा इस टांके का भी, जो पानी का टांका है वो पूरा बड़ा हो जाए इसलिए दोस्तों। अभी शंकर चालू हो चुके हैं चारा डालने में दोस्तों, जो भी बाहर पड़ा है अभी सभी चारा अंदर डाल रहे हैं जोगराज और शंकर मिलके। तो देखिए असलम भाई भी लग चुके हैं काम में, और काम में लग चुके हैं, बहुत ही मेहनती हैं दोस्तों। देखिए भर रहे हैं मूंगफली का चारा असलम भाई, और जोगराज सिखा रहे हैं इनको, क्योंकि अभी आए हैं, काम करना भी सीख रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों जगबा राइड की तैयारी करते हुए तेजल पे राइडिंग होगी, आपको बताया था दोस्तों। जगबा राइड करने वाले हैं आज तेजल की, और दोस्तों देख लीजिए जा रहे हैं अभी राइड के लिए, अभी निकल चुके हैं और वापस आएंगे तब आपको वीडियो दिखाते हैं दोस्तों तेजल का। और देखिए दोस्तों जगबा आ रहे हैं अपनी तेजल को रेख के, और तेजल की राइडिंग अभी चल अभी बिगड़ रही है, क्योंकि तेजल को बहुत दिनों बाद अभी चला रहे हैं इसलिए। देखिए दोस्तों क्योंकि पैर में चोट थी इसलिए बहुत कम चलाते थे, इसलिए अभी बिगड़ भी रही है रिवाल चाल में। जगबा दो दिन बाद राइड करेंगे, इसके बाद सही हो जाएगी और सही तरह से चलेगी। देखिए दोस्तों अपनी मौज में तेजल दोस्तों। अभी जगबा इस टांके से यहाँ तक नेल बनाने वाले हैं, नेल जो नारियल में पानी जा सके इसलिए दोस्तों। और बीच में हम ये पाइप डालेंगे सीमेंट का, जिससे घोड़ों चलाने में कोई दिक्कत ना आए। जो यहाँ पे जिस नेल है वो खुली है, और अभी इसमें सीमेंट का पाइप डालेंगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कल ब्लॉग के साथ आपसे जुड़ते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। सोपा सटपा मिंजान दोस्तों।